शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रुद्रावतार भगवान शिव के कथित 11वें अंश पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मीरा भाईंदर शहर के विभिन्न मंदिरों में हर्षोल्लास से मनाया गया। आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप रोड पर मारुति मंदिर है, वहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई, जबकि मुर्दा स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलम फैल रही है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का अल सुबह ही अभिषेक किया गया, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी मात्रा में जुड़कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस संदर्भ में हमने श्री बलवंत शास्त्री से बात की तो उन्होंने हनुमान जयंती को लेकर हमें क्या बताया, सुनिए। ये बताइए, हनुमान जयंती का क्या महत्व है, हनुमान जन्मोत्सव का क्या महत्व? हर देवी देवता के जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए कि जन्मोत्सव उनके जीवन काल के उद्देश्यों के प्रकट होता है। अब हनुमान जी का जो जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग, यह समझ के मना रहे हैं कि देश में हर जगह जो अनेक प्रकार के जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है, हर तरफ अधर्मों का बोलबाला हो गया है, चारों तरफ सत्य सनातन संस्कृति का लोप करने पर कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ जो है से जो सनातनी है वो खुद को पहचानने में उनको दिक्कत हो रही है कि हमारा संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति का प्रभाव क्या है, हम अपनी जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं उसकी संरक्षण कैसा होगा, उस पर उनका चिंतन विचार नहीं होता है, बल्कि वह दुश्मनों के बहकावे में आकर के और भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसको, जिस संस्कृति में वो खुद जन्म लिए हैं उस संस्कृति को भी वो आलोचना करने से नहीं संकोच करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना सर्वोपरि है। हनुमान जी अपने जीवन काल में और अपने समय में उन्होंने धर्म के सारे मूल्य सिद्धांतों को उन्होंने पालन किया है, जैसे कि सेवक धर्म का पालन किया है, दोस्ती धर्म का पालन किया है, आपके राज धर्म का पालन किया है, राजनीति का पालन किया है, मतलब अनेकानेक दंड नीति का पालन किया है, अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सेवक धर्म का बखूबी पालन किया है। यही शिक्षा हनुमान जयंती से आम आदमी को मिलता है, आम आदमी को अपना कर्तव्य बोध होता है हनुमान जयंती के माध्यम से। जिस प्रकार से हनुमान जयंती मनाया जाता है तो उसका संकेत यही है कि हनुमान जी में जो जो सदगुण थे उस सारे सदगुणों को आम सनातनी अपनाए, आम सनातनी उसको धारण करे, आम सनातनी हनुमान जी के पद चिन्हों पर चल करके शौर्य पराक्रम साहस और बल वीर्य तेज से संपन्न हो करके अपने राष्ट्र की भक्ति के प्रति, अपने समाज के भक्ति के प्रति, अपनी जन्म लेने का जो दायित्व है उसकी दायित्व को निभाने की प्रेरणा हनुमान जयंती से मिलता है।